ये कहानी शुरू होती है मैच के 17वें ओवर में, जब भारत को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पे थे विजय शंकर। जी हाँ, विजय शंकर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, लगातार चार बॉल डॉट खेली और उसके बाद उन्होंने सिंगल निकाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मनीष पांडे जो उनके साथ खेल रहे थे वो भी बहुत प्रेशर में आ चुके थे। तभी उन्होंने एक अच्छा शॉट खेला पर वो सीधा बांग्लादेश के फील्डर के हाथों में गया। इसके बाद उनके जगह पर खेलने के लिए आए दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने अगली 18वीं ओवर में दिनेश कार्तिक ने दो चौके और दो छक्के लगाए। इसके बाद आखिरी ओवर पे में स्ट्राइक के लिए आए विजय शंकर। इनको पहली गेंद तो वाइड मिल गई लेकिन दूसरी गेंद फिर से उन्होंने डॉटी खेली और आखिर फिर उन्होंने एक सिंगल लिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर आए तब भारत को जीतने के लिए चार गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। अब लग रहा था कि दिनेश कार्तिक अच्छे से शॉट खेलकर भारत को मैच जिता देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। दिनेश कार्तिक ने जैसे ही शॉट खेला वो बाउंड्री पर फील्डर के हाथ में गया, लेकिन उस वक्त दिनेश कार्तिक के पास मौका था कि वो दो रन ले, पर उन्होंने सिर्फ एक ही रन लिया जिसकी वजह से फिर से स्ट्राइक गई शंकर के पास। उसके बाद शंकर ने एक चौका तो लगा दिया लेकिन अगली गेंद पर शंकर आउट हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि कैच जा गया तब उन दोनों ने क्रीज बदल ली थी, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जिता दी। लेकिन रोहित शर्मा ने भी इस मैच में एक गलती की। इतने अहम मैच में, फाइनल मैच में, बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़खानी करते हुए दिनेश कार्तिक के पहले उन्होंने विजय शंकर को बैटिंग के लिए भेज दिया। अगर आपको मैंने कही है वो गलतियां आपको सही लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।